कोरोना महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी के सोना विधानसभा के गांव बहलपा गांव ने कोरोना महामारी से कैसे जंग लड़ी और जीती जाती है इसकी बेहतरीन मिसाल पेश की है गांव ने। देखिए रिपोर्ट। तो हम इस वक्त बहलपा के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं। ये जो सन्नाटा आप देख रहे हैं, ये सन्नाटा शहरों में दिखाई नहीं देगा और ग्रामीण इलाकों के अंदर भी इस तरह का सूरत हाल नहीं है, लेकिन चूंकि पहली लहर के बाद इन्होंने जो जिस तरह का ये मुकाम हासिल किया है कि इस गांव के अंदर एक भी संक्रमित केस नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए युवाओं ने कहीं ना कहीं कोरोना से जारी जंग में इसकी कमान संभाली और ग्रामीण हैं, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको न केवल जागरूक किया बल्कि मास्क डालने को लेकर जागरूक किया, शादी विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया। आप देख सकते हैं कि जो सन्नाटा है वो चारों तरफ पसरा है और ऐसा सूरत हाल गुरुग्राम के किसी अन्य इलाके में नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह की जागरूकता की जरूरत थी कोरोना को लेकर, जिस जागरूकता को लेकर तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से सरकार, प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर या फिर मास्क को लेकर, आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी यहाँ पे मास्क को डाल रखा है जो अन्य इलाकों में दिखाई नहीं देता। और संक्रमण का कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज़्यादा इसलिए भी रहता है क्योंकि हमने मास्क को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई और इसका गंभीर परिणाम जहां हमने भुगता वहीं मौत के आंकड़े ने भी लोगों को डरा दिया। गांव के सरपंच के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बेहतरीन मुकाम को हासिल करने के लिए बीते एक साल के दौरान क्या कुछ उन्होंने लोगों से अपील की थी, कैसे लोगों को जागरूक किया था। तो आइए चलते हैं सरपंच के पास, गांव के सरपंच के पास, बहलपा गांव के सरपंच के पास और कुछ ग्रामीणों से और सरपंच साहब से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस बेहतरीन मुकाम को हासिल किया और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। आइए चलते हैं, आपको कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और ग्रामीणों के साथ साथ ये जो मुकाम हासिल किया है, बीते एक साल के दौरान एक भी संक्रमित केस गांव में नहीं आया। सभी भाइयों को राम राम। और अपने अलग ही रहते हैं सब, कोई नहीं है, संख्या अपने आपसे कर रहे हैं। तो युवाओं ने इस पूरे के पूरे बागडोर संभाली कोरोना को लेकर, क्या कुछ उपाय आप लोगों ने किए, कैसे ग्रामीणों को जागरूक किया? सभी के पास जाके सभी को मास्क बांटे, सभी को जागरूक किया है कि आप डिस्टेंस बना के रखो, बाहर मत, घर से बाहर मत जाओ और अपना क्या नाम है, सभी को गांव को दो या तीन बार सैनिटाइज भी किया है, सभी को बार बार हाथ साफ करने के लिए बोला है, जागरूक ये इसी गांव में पूरे घर घर जाके ये जागरूक। वैक्सीन को लेकर कैसे जागरूक किया, क्योंकि वैक्सीन के लेकर शुरुआत में जो रुझान था कि हमने वैक्सीन नहीं लगाना है, लेकिन आपके गांव की जानकारी ये भी है कि 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं उन्होंने खुद को वैक्सीनेट करा चुके हैं, 18 से साल से ऊपर अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या वैक्सीन लग चुकी है 18 से ऊपर लोगों को भी? अभी जो लगभग जो बुजुर्ग है उनको सभी को हमारे पास गाँव में लगभग वैक्सीन लग चुकी है, जो कि 18 के अभी प्लस है, अभी रजिस्टर्ड करा के ऑनलाइन, तो उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारा सेंटर भवन से आता है तो वहाँ जाके जो भी है उन्होंने लगवाया है, वैक्सीन लगवाई है। तो वैक्सीन को लेकर भी देखिए जागरूकता थी और कहीं ना कहीं मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर जागरूकता थी। क्या कितना चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि देश भर में देखा गया है, प्रदेश भर में देखा गया है, सभी गाँवों के अंदर संक्रमण फैल रहा था, ग्रामीण इलाकों के अंदर जो संक्रमण फैला था उसको लेकर खासी परेशानी देखी जा रही थी प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। हाँ जी, जो हमारे सरपंच साहब उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया और सबके घर में जाके मास्क बांटे और उन्होंने बोला सोशल डिस्टेंस ही बनाए रखा। छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा वो मास्क लगा के घूम रहे थे, तो ये इतना जो सबसे जो कठिन काम है वो बच्चों को समझाना है आज के लिए। हाँ जी, सब परिवार को बोला था कि अपने घर में डिस्टेंस ही बना कर रखे, जो कोई बाहर से आए सैनिटाइजर करे, हैंड वॉश करे और बच्चों से दूर रहे ज्यादा। तो ये वो गांव हैं जिन्होंने न केवल खुद को जागरूक किया बल्कि लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे कि जिस तरह से युवाओं ने एक साल पहले इस बागडोर को संभाला था कि हमने अपने गाँव में किसी को संक्रमित नहीं होने देना, चुनौतीपूर्ण काम जरूर था लेकिन कैसे इसको, इस मुकाम को हासिल किया आप लोगों ने? लोगों ने एक दूसरे को जागरूक किया इसके व्यापक पे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप पूरी सावधानी बरतें, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करते रहें, बार बार मास्क चेंज करते रहें, सर्जिकल मास्क, डबल मास्क यूज़ करें
और उसके साथ साथ उन्होंने जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा सैनिटाइजेशन करके निकलते हैं, और शाम को अगर जॉब से आ रहे हैं या कहीं और जगह से आ रहे हैं तो घर में आने के बाद सबसे पहले वो अपने कपड़ों को निकालते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद खुद को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद नहाते हैं गर्म पानी से, और इसी प्रोसीजर को पिछले एक साल से फॉलोअप किया जा रहा है कंटिन्यूसली। नहीं तो 18 से ऊपर जो जितने भी युवा हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या सैनिटाइज आप करा, अपना वैक्सीनेशन करा चुके हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो स्लॉट अभी नहीं मिल पा रहा है। अप्लाई किया हुआ है कुछ लोगों ने, कुछ लोग अभी ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा चुके हैं, जैसे पलवल के अंदर जाके स्लॉट लेके आ रहे हैं, या फिर होडल में है, नूह में है, नूह नल्लड़ हॉस्पिटल के अंदर, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्लॉट बुक कराए हुए हैं और कुछ लोग वैक्सीनेशन करा भी चुके हैं। 45 प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज मिल चुकी है, क्योंकि सेकेंड डोज का अभी आपको भी पता है कि 84 डेज के बाद में वो बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि 84 डेज के बाद वो मिलेगी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब तक टाइम पीरियड निकल के आता है कि 84 डेज ये या उससे अगर पहले अलाउ कर देती है गवर्नमेंट तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो न केवल वैक्सीनेशन कराया, खुद को वैक्सीनेट कराया, महिलाओं को, बुजुर्गों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, और यह केवल सिर्फ इस लहर, दूसरी लहर की बात नहीं है, ये बीते एक साल से इस गांव में किया जा रहा है, और इस गांव ने कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल जरूर खड़ा किया है कि अगर किसी भी जंग को लड़ा जाए तो उस जंग के लिए कैसी कुछ तैयारियां होनी चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।